प्रयोग बताऊंगा कि शिफ्ट की के साथ सिंबल की का क्या संबंध है और कैसे चलती हैं। आज इन सब का प्रयोग करके मैं बताऊंगा आपको। अब मैं चलता हूं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और आपको बताऊं शिफ्ट की के साथ सिंबल कीज का क्या प्रयोग होता है। आज मैं करके दिखाता हूं इस पोजीशन पे। कुछ पोजीशन शिफ्ट की के साथ चलती हैं सिंबल कीज, कुछ बिना शिफ्ट की के साथ चलती हैं। आज मैं आपको शिफ्ट की के साथ प्रयोग करके दिखाऊंगा। जैसे टिल्डे जो हमारी वो होती थी ना, टिड्डे की तरह रो बनी हुई है, उस हिसाब से सिंबल कीज बना हुआ है। अब आपका विषम बोधक चिन्ह शिफ्ट के साथ चलेगा, है ना। इसके नीचे अंडरलाइन आई है, मैं अंडरलाइन हटा देता हूँ, है ना। अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एट द साइन सिंबल आपका शिफ्ट की के साथ चलेगा, हैज का चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेगा और डॉलर का चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेगा। तो इस तरह से हम शिफ्ट, पहले शिफ्ट की दबाएंगे फिर सिंबल कीज दबाएंगे, आपका प्रैक्टिकल बिल्कुल पूर्ण रूप से सफलता आपको मिलेगी इन ऐसे प्रयोग करने पर। पहले शिफ्ट की करेंगे, फिर आपका लघु कोष्टक भी शिफ्ट की के साथ चलता है। मैं यहाँ पे प्रयोग करके दिखाता हूँ लघु कोष्टक। ये देखिए, ओपन वाला, क्लोज वाला, लेस देन का चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेगा, ग्रेटर देन का चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेगा, क्वेश्चन वाचक चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेंगे और डबल प्लस का चिन्ह शिफ्ट की के साथ चलेगा। ये देखिए, तो इस तरह के चिन्ह आपके शिफ्ट की के साथ चलेंगे। ये पोजीशन मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई दी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि ये शिफ्ट की के साथ चलेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट उस पर जो हमारे सीधे बिना शिफ्ट की के साथ चलते हैं डायरेक्ट पोजीशन में। बैक सेलेस फुल स्टॉप डॉट जिसे कॉमा भी कहते हैं, सेमी कॉलम फॉरवर्ड दीर्घ कोष्टक बराबर का चिन्ह, ये बिना शिफ्ट के साथ चलते हैं। आज मैंने आपको यहीं तक नॉलेज दिया है। आपको इस नॉलेज से भी जरा सा ज्ञान प्राप्त होता है, आप मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।